आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमें पता है कि जितने भी लॉज ऑफ मोशन दिए गए हैं वो न्यूटन साहब ने दिए हैं, सर आइजैक न्यूटन ने दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले पहला जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज फोर्स। तो फोर्स के बारे में मैंने प्रीवियसली कुछ वीडियोस बनाए हैं कि फोर्स से क्या होता है। जब फोर्स हम लगाते हैं स्टेशनरी बॉडी पे तो वो मूव करने लगती है, ठीक है, या फिर कोई मूविंग चीज रुक सकती है फोर्स लगाने से, या चेंज इन स्पीड हो सकती है। मतलब हम जो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फोर्स लगाने से गाड़ी की स्पीड चेंज हो सकती है। कोई 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है तो 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ऐसा। मतलब चेंज इन स्पीड हमें देखने को मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी भी हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ फोर्स। सो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है या शेप और साइज भी चेंज हो सकता है बॉडी का। तो डेफिनेशन क्या है फोर्स की? फोर्स की डेफिनेशन ये है कि ए अ पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब रेस्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट चेंज कर देगा, या कोई यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, या कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका भी स्टेट चेंज कर देगा, कुछ तो चेंज लेके आएगा। तो फोर्स जब भी लगता है चेंजेस तो होते हैं, है ना, समझ में आया। और आप बोलते यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन हमें याद होगी कि पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स इज इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द सोर्स, दैट इज पुश और पुल। तो फोर्स क्या है? एक इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन फोर्स है। फोर्सेस द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। सोर्स किसका? पुश और पुल का। सोर्स प्रोवाइडिंग पुश और पुल। ठीक, तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो न्यूटन की बात शुरू ही नहीं हो सकती है न्यूटन्स लॉ की, है ना, क्योंकि वो फोर्स का, और उसका ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स का न्यूटन। पूरा अगर लिखना है तो स्मॉल लेटर्स में शुरू करो, या फिर सिर्फ सिंबल लिखना है तो कैपिटल एन से डिनोट करो। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज। फिर हमें पता है कि बैलेंस इम्बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो हमने इसमें डिटेल में वीडियो किया है, इसमें आप देख लीजिए बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, एग्जांपल क्या है बैलेंस फोर्स का? जैसे आप बोल सकते हो कि ब्रीफकेस किसी ने पकड़ी हुई है इन हैंड, तो वो बैलेंस है, क्योंकि आपने जितना ऊपर फोर्स लगाया हुआ है उतना ही फोर्स से नीचे उसका वेट जा रहा है। या फिर दूसरा एग्जांपल हमने देखा था, बुक केप्ट ऑन अ टेबल, बुक ऑन अ टेबल, ये भी बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। या फिर स्क्वीजिंग ऑफ अ स्क्वीजिंग अ लेमन, या स्क्वीजिंग ऑफ अ लेमन, ये भी एक बैलेंस फोर्स का ये है एग्जाम्पल है।
अनबैलेंस फोर्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ब्रीफकेस रिलीज हो गई, तो क्या जैसे जैसे ब्रीफकेस नीचे गिरती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी, वैसे वैसे उस पे है ना क्या होता जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, उसका फोर्स ज्यादा लगेगा उस पे, या स्टोन ड्रॉप हो गया, एक ही तरह के क्वेश्चन है ये सारे। ठीक, फिर नेचर में हमने फंडामेंटल फोर्सेस भी देखे थे, यहीं पे साइड में लिख देता हूँ अब, है ना, ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करते हैं। नेचर में हमने कौन से फोर्सेस देखे थे, कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, फिर तीसरे टाइप के फोर्सेस होते हैं न्यूक्लियर, और फिर वीक फोर्सेस आते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे फोर्सेस हमको देखने मिलते हैं, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए, इससे आपका जर्नी आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं, जब भी हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो जिस चीज की बात करते हैं वो है गैलीलियो साहब, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। तो गैलीलियो एक, गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला जाता है ना, तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहीं से हमारी मैकेनिक्स की जर्नी शुरू हुई थी। एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने बहुत सारा, गैलीलियो, गैलीली इनका नाम था, और इन्होंने अपने टेलीस्कोप भी बनाया था, तो इटली से थे है ना, वहां के यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा इटली में, वहां के वो मैथमेटिक्स के एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स थे। ठीक है, तो उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया उनके एक्सपेरिमेंट्स में कि बॉल को अगर रोल किया जाए किसी भी एक स्लैंट सरफेस पे, मतलब ये ऐसा कुछ स्लैंट सरफेस है, ठीक है, उस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोल किया जाए तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ये तो मतलब आपको अभी कॉमन सेंस लगेगा, लेकिन उस जमाने में लोग ऐसा सोचते थे कि कोई चीज को अगर फेंको तो वो सीधा नीचे गिर जाती है, ऐसा एक ट्रेजेक्टरी पाथ नहीं लेती, ऐसा भी सोचते थे लोग। ठीक, तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं V1 इसको मानूं और ये बॉल जब रोल होके यहां पहुंच जाएगा, दिस इज V2, तो स्पीड ऑफ V2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन व्हेन इट स्टार्टेड। ठीक है, और इसका ही एग्जैक्टली अपोजिट अगर ऑब्जर्वेशन हमारा हमको दिखे, तो वो एग्जैक्टली अपोजिट ऑब्जर्वेशन क्या था, कि अगर हम किसी इंक्लाइंड सरफेस पे ऊपर चढ़ रहे हैं, दिस इज स्पीड V1, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड V1 इज लेस देन स्पीड V2, है ना। और तीसरा ये था एक्सपीरियंस उनका कि अगर मैं प्लेन सरफेस पे पार्टिकल को दौड़ाना चाहूं तो दिस स्पीड V1 और यहां पर जो मेजर की गई स्पीड V2, ये दोनों कैसे होगी, इक्वल होगी, प्रोवाइडेड ये सारे के सारे जो सरफेस है वो कैसे है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस होने चाहिए, मतलब यहां पर दूसरा कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है लगना चाहिए, है ना। तो जब हम डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो स्पीड इंक्रीजेस, मूविंग अप तो स्पीड डिक्रीजेस, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये इन तीनों से उन्होंने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन किया। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या एकदम बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट है, तो हम तो गाड़ी गाड़ी खेल के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर देते हैं, बट इन दोज डेज दीज वेर द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो दिस वॉज वन ऑफ दिस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स थे। अगर हम देखना चाहे कि और क्या एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने जो किए हुए थे, है ना, तो उनका सेकेंड टाइप के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने देखे थे कि ऐसे कुछ पैराबोलिक सरफेसेस पे
वॉल रिलीज करना था इनर सरफेस पे, जो कि ऐसा स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मतलब ये हेमिस्फीयर ही है, कटोरा टाइप, या फिर ऐसे कुछ स्पीयर्स थे, है ना, या फिर ऐसे कुछ, ऐसे तीन तरह के सरफेसेस उन्होंने लिए, ए बी एंड सी। तो उनमें उन्होंने बोला कि अगर यहां से मैं ऑब्जेक्ट को, ये एकदम सिमेट्रिकल है, विच इज एट अ हाइट एच पे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं यहां से इस बॉल को रिलीज करूं तो ये नीचे चला आएगा और एग्जैक्टली सेम हाइट अटेंड करेगा इस पॉइंट पे, इट विल अटेंड एग्जैक्टली सेम हाइट, ठीक है। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया पहले एक्सपेरिमेंट में। दूसरे एक्सपेरिमेंट ने ये किया कि अगर अनइवन सरफेस है और मैं यहां पे उससे फेंकता हूं, अनइवन सरफेस में भी वो एग्जैक्टली सेम हाइट अटेंड करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरली, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे आएगा और फिर रोल बैक कर जाएगा, मतलब यहां पे ऐसे जाएगा फिर रोल बैक कर जाएगा, फिर धीरे 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 धीरे, आपने खेला होगा मार्बल्स से, जो कंचे बोलते हैं ना हम लोग, मार्बल्स, उससे खेला हो, ठीक है। तो इन लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अगर ये हॉरिजॉन्टल बना दिया जाए, ये वाला जो सरफेस, अब मैंने इंक्लिनेशन इसका कम कर दिया, कम कर दिया और कम कर दिया, यहां से मैंने अगर बॉल को थ्रो किया तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू अचीव द सेम हाइट, बराबर, यहां पे है ही नहीं ना हाइट, अब ये तो फ्लैट सरफेस हो गया, इट मीन्स इट विल नॉट डिक्रीज द स्पीड, तो क्या हो जाएगा, इट विल हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस, मतलब एक पॉइंट के बाद स्पीड इंक्रीज होगी और फिर वो सेम वेलोसिटी कंटिन्यू करेगा हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे। अगर ये इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल सर्फेस है तो पार्टिकल विल मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज थी जो कॉमन सेंस से हमको समझ में नहीं आती है ना। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इफ अनबैलेंस फोर्स फोर्सेस डू नॉट एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल आइदर रिमेन एट रेस्ट Either remain at rest or will move with uniform velocity, है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब वो क्या है, इट विल रिमेन अनएक्सेलरेटेड, तो क्या होगी, अनएक्सेलरेटेड रहेगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी जा रही है तो क्या होगी, अनएक्सेलरेटेड रहेगी। समझ में आ रही है बात, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो दिस वर द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय गैलीलियो। तो अभी के जमाने में हमको ये बहुत ही आसान लगता है ना, और इन्हीं के आइडियाज पे न्यूटन साहब ने, है ना, गैलीलियो साहब के आइडियाज पे न्यूटन साहब ने वर्क किया और हमें लॉज ऑफ मोशन दिए। तो यहां से हमारी शुरुआत होती है, ये उसका बैकग्राउंड है। तो न्यूटन, व्हाट न्यूटन डिड, फॉर्मुलेटेड ऑल दिस कंक्लूजन, स्टडीड ऑल दिस थिंग्स एंड गेव अस व्हाट, न्यूटन्स लॉज, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अभी हम देखेंगे।